जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हम सब लोग इस भारत देश के वासी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई भाई जुड़ के अपने देश में रह रहे हैं, अपने मोहल्ले में शहर में इनमें रह रहे हैं। और एक ये बाहरी कोरोना वायरस इसने हम सब पे हमला कर बहुत सारे दुख हमें दे रहा है, हमारे अपनों को तकलीफ हो रही है, बहुत सारे अपने बिछड़ गए, बहुत सारे अपनों के बिछड़ने का डर लगता है। पल पल दिल में जहन में ये सब आता है, कहीं इसको कुछ ना हो जाए, कहीं उसको कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे मेरे सामने हंसते खेलते रहे, इनको बड़ा करना है। अब तो सोच ये दिमाग में पैदा हो रही है कि इनको मैं बड़ा कर पाऊंगा या नहीं, ये बड़े हो पाएंगे या नहीं, ऐसी बुरी बुरी सोचों के अंदर हम लोग जा रहे हैं। तो यहां पर जब लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदें मेरे से भी हैं, मेरे को रोज सैकड़ों फोन आते हैं, मेरे स्टाफ को कुल मिला के हजारों फोन आ रहे हैं कि कुछ तो करिए। मैं बहुत दिनों से अपने वेदों को स्टडी कर और वेदों को स्टडी करते करते उसके अंदर हमें अध्याय 2 में इस चीज के बारे में बहुत सारा वर्णन मिला और उसमें साफ लिखा था कि ये कुछ विधियां हैं, इनको अगर हम करते हैं तो हम वायु में उत्पन्न हुए जितने भी जीवाणु, खतरनाक जीवाणु जो इंसान को मार भी सकते हैं, बीमारी लगा सकते हैं, उन सबको खत्म किया जा सकता है। लेकिन यहां एक और बात है, जो हमारी पीढ़ियां हैं, हमारे बाद वाली या हमारे से एक पहले वाली, इन्होंने वेद को नहीं जाना, वेद को नहीं समझा। पर सच्चाई ये है कि आज हम जहां भी हैं इन वेदों की मदद से ही है, इन्होंने ही हमें संस्कार दिए, इन्होंने ही हमारी सोसाइटी बनाई, इन्होंने ही ये धर्म बनाए, वेदों ने, इन्होंने ही कर्म डिसाइड किए इंसान को कैसा होना चाहिए, ये ठीक कैसे होगा, व्यार व्यवहार कैसा होगा, इंसानियत क्या है, ये सब कुछ हमें वेदों ने तो दिया है। ये हमारी ये जो 3 पीढ़ियां चल रही है ये नहीं समझते। बहुत सारे मेरे जैसे भी हैं, मेरे से भी अच्छे लोग हैं जो बड़े आराम से हमारे अध्यात्म को, हमारे वेद को भी अपनाते हैं, एक बार उनको प्रैक्टिकली कुछ बता दिया जाए बड़ा इजीली मानते हैं। लेकिन घर के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तर्क संगत होते हैं कि जब तक उनका तर्क ना दिया जाए, साइंस के साथ ना जोड़ा जाए, वो मानने को तैयार नहीं होते। तो आज जब हम सबको इकट्ठे होकर के इस कोरोना को मारने का काम मिला है, इससे बचना कैसे है ये जब हमें सोचना है, इसके लिए कर्म करना है, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने देश के लिए, जब हमने मिलकर के ये सब कुछ ठीक करने के लिए एक प्रयास करना है, तो तब मैं चाहता हूं कि सब लोग हमारे साथ रहें, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध चैनी जो भी है, सब हम है तो इकट्ठे ही, समझे। और ये मुसीबत का वक्त है, इस मुसीबत के वक्त में हम सबको इकट्ठे होकर के इसके लिए प्रयास करना। अब धीरे धीरे करके मैं अपनी बात पे आता हूं। तो पहले सबसे मैं आपको उन लोगों के लिए बात करता हूं जिन लोगों को तर्क चाहिए, जिन लोगों को साइंस चाहिए, तो उनके लिए मैं कुछ चीज लेकर के आया हूं, मैं आपको बताता हूं। एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम चेलेरा है, उन्होंने हमारे वेद पढ़े, वेद पढ़ के उन्होंने जब देखा कि उसके अंदर वायु में से प्रदूषण
और खतरनाक जीवाणु खत्म करने की विधि लिखी हुई थी, तो उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने प्रयोग क्या किया, हमारे यहां हर पौष्टिक कर्म के लिए, अच्छे कर्म के लिए बेटा आम की लकड़ी का हवन किया जाता है। उन्होंने आम की लकड़ी जलाई, उन्होंने आम की लकड़ी जला के देखी तो उसके अंदर से उनको कुछ ज्यादा फायदा नहीं नजर आया, काफी कम फायदा लगा। लेकिन जैसे ही उसके अंदर लिखी हुई सामग्रियां जो हमारे वेदों में लिखी हुई है, वो जब सामग्रियां, वो संविदा जब उन्होंने उसके अंदर डाली, तो एकदम से जैसे एक अमृत का संचार हुआ और एकदम से उस कमरे में से बेटा पूरी तरह से जो हमें दूषित, हवा को दूषित करने वाले जो कण थे, जो जीवाणु थे, एकदम से खत्म होने लगे। और जो हल्कापन वातावरण के अंदर आया तो उन्होंने उसको महसूस किया और साथ में अपनी वैज्ञानिक चीजों के साथ, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नाप के देखा तो उन्होंने आश्चर्यचकित रह गए कि एक हवन करने से इतना बड़ा फायदा हो सकता। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि इसमें से जो फॉर्मिक एल्डिहाइड जो गैस उत्पन्न हुई उसने सारे जीवाणुओं को ज्यादातर चुका। देखिए उनका टेस्ट रहा। फिर एक लोटिक नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने भी एक टेस्ट किया तो उन्होंने भी यही संविदा वगैरह डाली और डाल के वहां पर देखा कि जो लोग बीमार थे, उन्होंने कई लोगों को साथ में बिठाया, जो लोग बीमार थे उनके ऊपर तो बहुत अच्छा असर आया, लेकिन उसमें एक टाइफाइड का मरीज भी था और टाइफाइड का मरीज वहां पर आधा घंटा बैठा और उसके टाइफाइड पैदा करने वाले जितने भी जीवाणु थे बेटा वो उसके शरीर के अंदर बढ़ गए और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ये भी इन लोटिक नाम के वैज्ञानिक ने ये भी टेस्ट किया। उसके बाद ये देखा कि अगर ये यज्ञ करते रहो तो टाइफाइड जैसी बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु इनका अपने आप ही नाश हो जाता है। उसके बाद हमारे यहां राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया और उन्होंने भी जब टेस्ट किया, उन्होंने स्पेशली तौर पे एक घर के अंदर टेस्ट किया तो वो डालते ही जो एक संचार, एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार, एक पॉजिटिव ताकत का संचार शुरू हुआ उस कमरे के अंदर, जो उन्होंने नाप के रखा हुआ था जिसको वो 100% मान रहे थे कि इतना इस वक्त में इसके अंदर प्रदूषण है, इस तरह के जीवाणु हैं जो खतरनाक हैं, जो ह्यूमन बॉडी के लिए कुछ खराब कर सकते हैं, तो उन्होंने नाप के रखा था उसको 100% दे दिया कि इतने हैं और ये 100%। तो जैसे ही नापा उसके आधे घंटे के बाद उन्होंने जब देखा कि ये सारी चीज 30% और उसके आधे घंटे बाद देखा तो 94% खतरनाक जीवाणु जितने उस घर के अंदर थे वो खत्म हो चुके थे। और जब उन्होंने वो यज्ञ करके उसका दरवाजा खोला तो उसके एक घंटे के बाद जब नापा तो 96% ये जो खतरनाक जीवाणु हैं ये सारे खत्म हो चुके थे। ये चीज के टेस्ट साफ तौर पे बताते हैं, साफ तौर पे, कि हमारे हवा के अंदर ये जो पेट्रोल, डीजल, कोयला, एसी के धुएं, गाड़ी के धुएं और पता नहीं इंडस्ट्री के किस किस तरह के धुएं ने जो हमारी ये एयर को पोल्यूटेड कर दिया, इसको तो ठीक करेगा ही करेगा। जब ये यज्ञ के अंदर से उठने वाला धुआं इन सबको मार के एक शुद्ध हवा उत्पन्न करके हमें स्वस्थ और समृद्ध कर रहा है, कर सकता है और करता भी है, ठीक है, तो क्यों ना इसे अपनाया जाए। फिर आपने देखा होगा कि हमारे यहां आम चौराहों पर कभी पंजाबी बाग में टेस्ट होता है, कभी आनंद पर्वत पे टेस्ट होता है, कभी कहीं टेस्ट होता है और वहां टेस्ट क्या होता है, चौराहों के ऊपर बोर्ड लगे हैं PM 2.5, PM 10, PM 1, ठीक है, ये क्या होते हैं,
ये होते हैं कि अगर एक आप काला कमरा ने उसके अंदर टॉर्च मारे तो आपको उसके अंदर धूल के कण जो तैरते नजर आते हैं ना, उसी को बोलते हैं पीएम। और इसके स्तर होते हैं पीएम 1, पीएम 10 और पीएम 2.5, यही तो आप वहां पर देखते हैं। तो ये जो आपको कण नजर आते हैं यही पॉल्यूशन है, यही हमारे नथनों के द्वारा अंदर जाकर के होंगे, हमें नुकसान पहुंचाते। तो ऐसी अवस्था के अंदर भी जब एक घर के अंदर हवन किया गया तो वहां का जो पीएम का स्तर था वो था 465, लेकिन जब यज्ञ किया गया इसी संहिता के साथ तो वो पीएम का स्तर कहां पे आ गया, पहले आया 403 पे, फिर 375 पे, 260 पे, फिर 220 पे, फिर 180 पे, समझ गए। इस तरह से ये स्तर में एकदम से गिरावट होनी चाहिए, एकदम से। तो अगर आप साइंस को मानने वाले हैं और अभी तक कोई साइंटिस्ट अगर ये खोज नहीं पाया है इतनी बड़ी ताकत को, तो बेटा आप ये तो नहीं कह सकते कि हमारे बुजुर्गों ने ये साइंस नहीं खोजी थी, ये तो कहना उचित नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने ये साइंस हजारों साल पहले से खोज के रखी हुई थी और हमेशा एक ही बात कही है कि इस दुनिया को स्वस्थ रखना है, अपने आप को, अपने परिवार को अगर स्वस्थ रखना है तो यज्ञ करते रहो, यज्ञ करते रहो। ये यज्ञ में से जितना धुआं ऊपर जाता है ये हमें वापस मिलता है, पौष्टिक तत्वों के रूप में मिलता है, पौष्टिक ऑक्सीजन के रूप में मिलता है। वही ऑक्सीजन जब हमारे अंदर जाती है, अब ये कोरोना हमारे अंदर कैसे जाता है, हवा में से ट्रांसमिट होता है, हमारे अंदर जाता है, हमें बीमार कर देता है, इसको तो मानते हो। तो यज्ञ की इतनी बड़ी ताकत को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो भी जब धुआं बन के हमारे वातावरण में जाएगा, वो भी पौष्टिक तत्वों के साथ में हमारे अंदर आएगा और बीमारियों को मारेगा, इस कोरोना को मारेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर आप अड़ियल स्वभाव के भी हैं तो आज थोड़ी देर के लिए मान के देख लो, क्योंकि जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो तब तो आपके सामने सारा कुछ आ ही जाएगा। तो इसीलिए ये करना बेहद जरूरी है। ये कोरोना या जितने भी ये जीवाणु हवा में तैरते हैं बेटा, ये नैनो पार्टिकल होते हैं, बहुत ही छोटे, जो हमें आंखों से नजर नहीं आते, और इनको इन्हीं के हथियार से मारना पड़ेगा। क्योंकि जब मान लो जंगल में कोई शिकारी जाता है तो बेटा हाथी को मारने के लिए एक छोटा सा तीर तो नहीं इस्तेमाल करता, उसके लिए नेचुरली बात है वो कुछ भारी गोली इस्तेमाल करता। जो शेर को मारने के लिए जिस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं या जो भी कुछ इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो खरगोश को मारने के लिए तो नहीं करते। इसी प्रकार से जिस तरह का ये कीटाणु हमारे वातावरण में आया है, हमें उसी के हथियार से मारना पड़ेगा जो उसी के जितना हो। और वो क्या हो सकता है, हमारे यज्ञ से उत्पन्न हुआ हुआ धुआं। आज भी अगर किसी घर के अंदर यज्ञ होता है, किसी को श्वास की दिक्कत हो, फेफड़ों की दिक्कत हो, उसको बेटा तकलीफ नहीं होती, उल्टा उसकी श्वास प्रक्रिया बेहतर हो जाती है। इसीलिए जिन लोगों को श्वास की दिक्कत है, अगर वो ये समझते हैं कि यज्ञ करने से उनको धुआं चढ़ेगा, उनको सांस आने में दिक्कत होगी, तो बेटा ये बिल्कुल गलत है। अगर घर पे यज्ञ होता है, आपके पड़ोस में यज्ञ होता है, तो आपको उल्टा श्वास लेने में बहुत बड़ी आसानी बनेगी। ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो कहते हैं कि हमें श्वास की दिक्कत है, हमें पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है। तो बेटा यज्ञ का धुआं कभी पॉल्यूशन नहीं हो सकता, प्राली का हो सकता है, इसका बाहर जितना ये प्रदूषण फैला हुआ उसका हो सकता है, लेकिन यज्ञ का धुआं हर किसी के लिए अमृत। जो यज्ञ है बेटा, इसमें आप जितने ईंधन देखते हैं ना, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, ये वो सब कुछ ये मृत ईंधन है, यानी कि मृत चीजों से निकलने वाले ईंधन, सब नीचे से निकलते। लेकिन जो यज्ञ है ये जीवित वस्तुओं का बेटा ईंधन है, ये जीवित ईंधन है, और मृत ईंधन इंसान को मारता है, जो कि आपके सामने सारे एक्सपेरिमेंट है, सारे रिसर्च करके आपको पता है।
कि पेट्रोल का क्या करता है, डीजल क्या करता है, कोयला क्या करता है, एलपीजी क्या करती है, सीएनजी क्या करती है, सब पता है, और गैस क्या करती है, क्योंकि ये मृत में से निकली। जो यज्ञ में से जो पॉल्यूशन आप कह लो कि वो निकलता है, वो हमें संजीवनी की तरह लगता है, वो जीवित ईंधन है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ये समझना। एक बात आपको और मैं बता, बहुत ही अहम बात, आज हम जिस चीज की लड़ाई करने जा रहे हैं, आज से पहले कितनी दुनिया शमशान पहुंच गई, कब्रिस्तान पहुंच गई। अगर एक इंसान कब्रिस्तान भी पहुंचता है तो बहुत पैसा, बहुत एफर्ट लगता है, क्योंकि हमें उसे बहुत अच्छी तरह से दफनाना होता है, उसके लिए जमीन भी चाहिए होती है। और शमशान घाट जाता है तो संस्कार करने पड़ते हैं, एक इंसान को उसके मृत शव को जलाने के लिए कम से कम 40-50 किलो लकड़ी लग जाती है, 40-50 किलो। आज के बाद हम यही कोशिश करेंगे कि जो अपनी मौत जा रहा है उसकी बात अलग है, इस कोरोना वायरस से हम एक भी शव के लिए 40-50 किलो लकड़ी नहीं जलाएंगे, क्योंकि हमें उन सबको बचाना है, वो हमारे अपने हैं, हमारे अपने भाई बहन हैं, हमारे अपने देशवासी हैं, हमारे अपने मोहल्ले के हैं, हमारे जानकार हैं, हमारे साथ काम करने वालों में से कोई है, हम किसी को नहीं मरने देंगे। और जब तक आप सब लोग ये संकल्प नहीं ले लोगे कि हम किसी को मरने नहीं देंगे, तब तक हम ये कार्य कर ही नहीं सकते। फिर तो ऐसा होगा ये बाहरी आया है, हमें मार के चला जाएगा, किसी को भी मार जाएगा, जितने मर गए, जितने बच गए बच। लेकिन हम सबको संकल्प लेने की जरूरत है कि हम अब ना मरेंगे, ना हम अपने किसी को मरने देंगे। इसीलिए अब चिताओं के ऊपर हम 50-50 किलो लकड़ियां डाल के उनको मिट्टी नहीं होने देंगे। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि ये मैं कुछ विधि देने जा रहा हूं बेटा, ये विधि सिर्फ हिंदुओं को नहीं करनी, आर्य समाजियों को नहीं करनी, सिखों को नहीं करनी, ना मुसलमान को करनी है, ना जैन को करनी, किसी को नहीं, हम इंसानों को करनी पड़ेगी। जब बेटा कोरोना होता है ना, वो हिंदू मुस्लिम सिख जैन बुद्धिज्म सब में से किसी को भी, तो कहां भागते हो, सारे के सारे हॉस्पिटल के बेड ढूंढ रहे होते हैं और एक ऑक्सीजन ढूंढ रहे होते हैं, एक ऑक्सीजन जो वातावरण में मुफ्त मिलती है। तो जब सबके लिए वही है, तो जब ये हम आज कार्य करने लगे हैं कोरोना को मारने का, अपने वातावरण को शुद्ध करने का, तो कौन करेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध या जिन धर्मों के मैंने नाम नहीं बोले वो सारे, क्योंकि यहां कोई धर्म मायने नहीं रखता, यहां सिर्फ इंसान और इंसानियत मायने रखती है। आज हम सब एक ही जगह पे हैं, एक ही दुख से त्रस्त हैं, एक ही डर से त्रस्त हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो कोई हो। बेटा बहन का प्यार क्या अलग अलग है, भाई का प्यार क्या अलग अलग है, मियां बीवी का प्यार अलग अलग है, माँ बाप का प्यार अलग अलग है, या रिश्तेदारी का प्यार अलग है, ये यार दोस्ती का प्यार अलग है, सबके दिलों में एक ही जैसा प्यार घुटता है ना, सब एक ही तरह के प्यार के लिए मरते हैं ना। तो बेटा आज अपने उन्हीं सारे प्यारों के लिए ये सारी चीज को छोड़ के कि ये यज्ञ है, ये फलाना है, ये ढिमकाना, कुछ नहीं, ये ट्रीटमेंट है, और ये एक ऐसा हमारे वेदों द्वारा दिया हुआ ट्रीटमेंट है, अगर हम सबने नहीं किया तो हमारा कोई भी प्यारा चला जाएगा, कोई भी प्यारा चला जाएगा। और जो हमने संकल्प ले रहे हैं कि अब हम जाने नहीं देंगे, अब हम जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए, और इसके अंदर हम सबको इस मुहिम के अंदर भाग लेना है, हम सबको इस मुहिम के अंदर भाग लेना है बेटा।
ये लेना भाग बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने पड़ोसी के लिए, अपने जानकार के लिए, अपनों के लिए हमें ये करना ही पड़ता है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हमें एक और संकल्प लेना है कि जितने लोगों को हम प्यार करते हैं, अपने भाई बहन, अपने चाचा, मामा, ताया, कोई भी, अपने पड़ोसी, अपने बिजनेस के अंदर जानकार, उनको हमने फोन करके कहना है कि हम ये यज्ञ इतनी तारीख को इतने बजे शुरू कर रहे हैं, और जो कि इसका सबसे बेहतर समय है सोमवार के दिन सुबह 8 बजे आप करें, सोमवार के दिन सुबह 8 बजे इस यज्ञ को प्रारंभ करें। तो आपको अभी जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो, जब भी, अपनों को ये कन्वेंस करना ही पड़ेगा, उन सबको इस वीडियो का लिंक भेजिए। आप अगर अपनों को ये वीडियो का लिंक नहीं भेजते हैं, आप अगर उनको ये वीडियो नहीं दिखाते हैं, कहीं आप समझाने में आधे अधूरे रह गए, तो कल कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको, जिसको आपने फोन करके अभी नहीं बताया, उसके दुख में अपने घर में बैठे रो रहे हों और अपने आप को कसूरवार मान रहे हों कि अगर काश ये वीडियो का लिंक उसे भेज दिया होता और उसने ये कर्म किया होता और वो आज बचा हुआ होता, कहीं ऐसा सोचने के लिए बाद में आपको मजबूर ना होना पड़े। इसीलिए आप चाहते हैं कि जो आपके साथ हंसता रहे, बसता रहे, जिंदा रहे, आपके साथ काम धंधा करता रहे, आपके सुख और दुख में शामिल रहे, बेटा उन सबको इस वीडियो का लिंक भेजना और उसे कहना कि इसको करने में कुछ नहीं जाता। मैं आपको एक बात बताता हूं, 14 दिन तक क्वारंटाइन क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे अंदर का जो एक इम्यून सिस्टम है, वो 14 दिन के अंदर बाहर के जीवाणु जो भी अंदर जाते हैं या वायरस जाता है उसे मार देता है, या इंसान खुद मर जाता है। इतना ही समय इस 14 दिन के अंदर कौन सा दुख नहीं भोगते, इस 14 दिन के अंदर दवाइयों पे और सारे रिसोर्सेज पे कौन सा पैसा नहीं खर्च करते, सब कुछ करती हो ना। डॉक्टर बोलते हैं कि स्टीम लो, स्टीम लो, स्टीम लो, अरे वातावरण ही अगर शुद्ध होता तो ये स्टीम ही लेने की जरूरत क्यों पड़ती। और वातावरण में से अगर पौष्टिक तत्व आपके अंदर जाकर के आपके अंदर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना करके उस वायरस को मारने का अगर काम कर दें तो ये स्टीमें क्यों लेनी पड़े, समझे? तो अपने जितने आपके अपने हैं, जितनों को आप बना सकते हो, जितनों को बता सकते हो, बेटा इस मुहिम के अंदर उनको जोड़ोगे तो अगले साल गले मिलकर के उनके साथ आप ईद मनाएंगे, आप दिवाली मनाएंगे, अपना हर त्योहार मनाएंगे, होली मनाएंगे और खुशी खुशी इस जीवन के अंदर जिएंगे। सबके अपने भाई के प्यार के लिए, अपनी बहन के प्यार के लिए, अपने चाचा, मामा, ताऊ, जीजा, इनके प्यार के लिए आपको उनको प्रेरित करना ही पड़ेगा और ये वीडियो दिखाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ करो। अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो ये करना ही पड़ेगा। और यज्ञ शुरू करने से पहले ये सारी चीज का ब्यौरा उन सबको उपलब्ध कराना पड़ेगा। अब मैं आप सबको बताता हूं कि हमें करना क्या है। करना ये है कि अब तो ये वायरस और खतरनाक होता जा रहा है, काला फंगस तक नाम की एक बीमारी आ रही है, आपने टीवी पर सुना होगा कि लोगों की आंखें निकालनी पड़ रही है और उसमें रेशो 10 में से 5 ही बचते हैं, 5 मर जाते हैं, दिमाग तक पहुंच जाए तो बड़ा खतरनाक हो रहा है। ये इतना खतरनाक दिन बेटा हमने नहीं देखने, हमने उससे पहले पहले कोरोना को मारना है और वो इस यज्ञ के सहारे मारना है। अपनों के ऊपर 40-40 किलो, 50-50 किलो लकड़ियां डालने से अच्छा है कि हम रोज थोड़ा थोड़ा यज्ञ करें। तो करना कैसे आप इस पे आते, करना कुछ नहीं बेटा, आपके घर में कढ़ाई होगी, आपके घर में बड़ा पतीला होगा, आपके घर के अंदर लोहे का हवन कुंड होगा, अगर वो भी नहीं है तो 10 ईंटें ले आओ और इसको घर के अंदर नहीं, इसको घर के बाहर कर, अपने घर के दरवाजे के साथ में लगते हुए इसे करो और अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हो तो बेटा पता नहीं ऊपर वाले के छींकने से कोरोना आएगा या नीचे वाले के,
इसीलिए सबको अपनी बालकनी के अंदर ये करना चाहिए, सबको अपनी बालकनी के अंदर ये करना चाहिए, क्योंकि आपके आगे वाले, आपके पीछे वाले और आप बीच में होकर के जब ये करोगे, कोरोना को कहीं जगह नहीं मिलेगी, यहीं पे मरेगा और आप ही के पांव के अंदर होएगा। क्योंकि यज्ञ की एक खासियत है, जब इसका धुआं ऊपर जाता है, जितने हमें मारने वाले जीवाणु कीटाणु उनको मार के ये मिट्टी में मिला देता है, और वो इतने भारी होते हैं, पहले हवा के हिसाब से भारी ही होते हैं, लेकिन उनको मार के ऐसा जमीन के ऊपर गिराता है, उठने नहीं देता। ये बेटा हमारे वेदों में साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है। आज वेदों की ये पढ़ाई हम भूल के कितना बड़ा खामियाजा होता है। तो 14 दिन क्वारंटाइन नहीं रहना हमें, 14 दिन तक हमें कोरोना के दंश को नहीं झेलना। हम 14 दिन तक का एक संकल्प लेते हैं कि हम 14 दिन तक यज्ञ करके इस कोरोना को मार देंगे। 14 दिन तक ये यज्ञ करके हम इस कोरोना को मार देंगे, हमें ये संकल्प लेने की जरूरत है। और ये संकल्प जो जो लेगा बेटा, वो अपनों पे, जिनसे प्यार करता हूं उनसे, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने शहरवासी, अपने देशवासी पे कोई एहसान नहीं करेगा, या जिनको अच्छा लगता है एहसान करना वो समय लेके हमारे पे एहसान करेगा, तो करो भाई, हम पे एहसान भी करो, ये करना ही पड़ेगा आप सब सभी के। और ये 14 दिन का संकल्प हम लेंगे, सोमवार सुबह 8 बजे से हम ये यज्ञ हर रोज आने वाले अगले दिन के 8 बजे जरूर करेंगे। कुछ नहीं है, कोई खर्चा नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं, आपके घर में ही उपलब्ध चीजें या थोड़ी बोली आपके आसपास की दुकान से मिल जाए। करना क्या बेटा, लकड़ी चाहिए आम की, आम की लकड़ी मिल जाए बहुत ही बढ़िया। ज्यादातर कोशिश करना कि भले ही आपको खरीद के लानी पड़े, कितने की मिल जाएगी, 2 किलो लकड़ी 20 रुपए की, 2 किलो लकड़ी के साथ अगर आप यज्ञ करते हो तो आपका वो यज्ञ आधा घंटे से ऊपर चलता है, आधे घंटे से ऊपर वो जलता है। एक ही बार में मत डालो, आप 1 किलो पहले लगा दो, बाद में थोड़ी थोड़ी करके एक एक दो दो करके लगाते रहो, और हर रोज आपको आधा किलो सामग्री लेनी है। आधा किलो सामग्री कितने की है बेटा, 50 रुपए, 50 और 20 70 रुपए, 70 रुपए के खर्चे का मैं आपको काम बताने लगा हूं। चलो देसी घी डाल देते हो, वो जिनकी जेब में है बेटा वो अच्छी तरह से डालेंगे, वो नहीं परवाह करेंगे। जिनकी जेब में नहीं है बेटा, वो सरसों का तेल डाल लो, तिलों का तेल डाल लो, तो ये भी बड़ा आसान हो गया। चाहे सरसों का तेल डालो, चाहे तिल का तेल डालो, और देसी घी है तो इसके जैसा अमृत तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। चाहे गाय का हो चाहे भैंस का, आप डाल जरूर डालो ये चीज। लेकिन इसका जो सबसे अहम पार्ट है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, और वो सबसे अहम पार्ट क्या है कि उसके अंदर आपको नीम के पत्ते, या अगर नीम के पत्ते भी उपलब्ध नहीं है और सिर्फ टहनियां हैं उसकी सूखी हुई, तो वो छोटी छोटी बारीक बारीक जो टहनियां हैं वो ले, थोड़ी सी वो लेकर के आपने इस यज्ञ में होती देनी है। और सेंधा नमक लेना है, सबसे सस्ती चीज है पंसारी की दुकान पे मिलने वाली, रोज इतना सा सेंधा नमक लेकर के आपको यज्ञ में उसकी आहुति देनी है। अपने पूरे घर वालों से दिलवाओ, जितनी देर वो यज्ञ चले, समझे, आप उसे यज्ञ मत समझना। अगर दूसरे धर्म के लोगों को यज्ञ करने से परहेज है तो बेटा उसको यज्ञ मत समझना, उसको कहना हमने आग जलानी है। और अगर उसे यज्ञ भी समझना है तो इस नाम से समझे कि अपने अल्लाह का नाम लेते हुए यज्ञ में आहुति दे दो, अपने गॉड का नाम लेते हुए, मदर मैरी का नाम लेते हुए जय जनेंद्र बोल के उसको आहुति दे दो, जो मर्जी बोल के आहुति दे दो बेटा, अपने अपने देवता के नाम की दे दो। अगर वो नहीं करना चाहते तो वैसे ही जला दो, किसी नाम की जरूरत नहीं, ठीक है, उसको चलाओ। कारण ये कि उसके जलने से हमारे बच्चों को, हमारे यार प्यारों को, हमारे अपनों को बेटा इतनी पौष्टिकता मिलने वाली है कि इन चीजों के सोचने का वक्त नहीं है, तो हमें ये जलाना। तो मैंने कहा आम की लकड़ी मिले बहुत अच्छा, नहीं तो किसी भी सूखे पेड़ की लकड़ी उड़ाना, इसके लिए हरे भरे पेड़ों को तंग मत करना, सूखी लकड़ी
वो भी नहीं है आपके पास, अगर उपले है ना तो उपले जला, पर जलाना सर, गाय के मिले बहुत बढ़िया, नहीं तो भैंस के उपले ही जला दो सके। लेकिन ये 8 बजे का वक्त नहीं छूटना, 8 बजे आपको ये वक्त में ये आपको जलाना है। तो इसमें करना क्या है, आपको आराम से हवन सामग्री मिल जाती है उसके अंदर, वैसे तो सब कुछ होता है, लेकिन कर क्या सकते हैं आप, नीम की छोटी डंडी या पत्नी थोड़ी सी वो आपको लेनी है, ठीक है, आपको सेंधा नमक लेना है, समझे, काली या पीली जो भी आपको सरसों मिले वो उसमें थोड़ी सी जरूर मिलाओ, कपूर देसी घी या सरसों का तेल मैं आपको बता ही चुका हूं, 4 या 10 आप लौंग ले सकते हो उसके अंदर वो डालो, कनेर के फूल डाल सकते हो। और जो सबसे बड़ी बात है, आयुर्वेद वाले भी मानते हैं कि हरड़ बेहड़ा आंवला, ये तीनों ही ऐसे हैं जो वात पित्त कफ तीनों को सही करते हैं। तो इस वक्त हमारे को इम्यूनिटी की भी जरूरत है लड़ने की, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ने ही लड़ना है अगर बाई चांस कोई बीमारी होती है, तो उसको भी अच्छा रखने के लिए हरड़ बेहड़ा आंवला ये सबसे सस्ती चीज है पंसारी की दुकान पे मिलने वाली, ये कोई महंगी नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी सी 50-50 ग्राम 20-20 ग्राम जितनी लेना चाहते हो हरड़ बेहड़ा आंवला, वो भी आपको इस औषधि के अंदर जरूर डालना चाहिए, ठीक है। और अगर जो जानकार है जिनको पैसे की नहीं परवाह अपने लोगों के प्यार के आगे, तो वो क्या कर सकते हैं, शतावरी ले ले, अर्जुन की छाल ले ले, नागर मोथा ले ले, जठा मासी ले ले, सौंफ ले ले, गूगल जरूर डालना, गूगल बहुत बड़ी औषधि है, गूगल जरूर डालना, तेल डालो, चावल डालो, और जो आम की लकड़ी जलाने से जो गैस उत्पन्न होती है ना बेटा, वही गुड़ भी जब हम हवन कुंड में डालते हैं तो वही गैस उससे भी उत्पन्न। तो इसीलिए इस सारी सामग्री में हो सके या तो थोड़ी सी देसी खांड जो गन्ने से ही बनती है, देसी खांड आप सब ज्यादातर लोग जानते हैं, या तो देसी खांड या गुड़ पड़ा है तो अपने घर में वही थोड़ा सा लेकर के उस हवन कुंड में जरूर, बस इतना सा। अगर ये हम 14 दिन तक कर गए तो क्वारंटाइन होने से 1000 गुना अच्छा फायदा हमें मिलेगा, 1000 गुना। और ये भी हो सकता है कि अगर आपने अपनों को मनाते गए, बताते गए, चलाते गए, और एक दिन अगर ये सारे देश ने ये 14-14 दिन का यज्ञ कर लिया तो हम सब लोग स्वस्थ मिलेंगे और ये कोरोना हारा हुआ मिलेगा। और कोरोना हारा हुआ मिलेगा, हम पहले की तरह ही हंसते बसते हुए, अपनों से प्यार करते हुए, अपनों से लड़ते हुए, उनसे रूठते हुए, उनसे मनाते हुए अपने जीवन को जिएंगे पहले की तरह ही, और अच्छे वाला जीवन जिएंगे। और इस दुख को भगाने का काम अब हम सबका है, और मेरी तो सिर्फ ये गुजारिश ही है, मैं तो आपसे ये छोटी सी अपील ही कर सकता हूं, मानना आप सबको, लेकिन इतना कुछ दुनिया में मानते हो, इतने बेकार पैसे खर्च कर रहे हो, आज सैनिटाइजर पे पैसे खर्च करते हो, मास्क पे पैसे खर्च करते हो, और कितनी चीजों के ऊपर बेकार में पैसे खर्च हो जाते हैं, बेटा ये 100 रुपए रोज का खर्चा होगा और इससे ज्यादा क्या। तो 14 दिन के लिए ये खर्चा जरूर करो, और अपने घर में, आंगन में, छत पे, जहां दिल करे वहां पर यज्ञ करो, नहीं तो घर के बाहर दरवाजे पे करो, और जो सोसाइटियों में रहते हैं बेटा वो अपनी बालकनी में। बस ये 14 दिन की बात है, ये 14 दिन के अंदर आप सब आपस में मिल गए, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध ये मिल गए, तो हम सब मिलकर के अपनी ताकत से इस कोरोना को हरा के रहेंगे, इसको मार के, इसको खत्म करके रहेंगे। और दाते ने चाहा तो बहुत जल्दी हमारा हिंदुस्तान भी नो मास्क जोन बनेगा, वही खुशियां लौट के आएंगी, वही पार्कों के अंदर बच्चे वैसे ही खेलेंगे, और हम सब लोग फिर एक बार अपनों को गले लगाते हुए बिल्कुल नहीं झिझकेंगे, बिल्कुल नहीं उनसे दूरी बनाएंगे। अरे ये तो इतना बड़ा दुख बन गया हमारे लिए कि जिनके साथ गले मिले बिना हमें चैन नहीं आता था, आज इसने दूरियां कितनी बड़ी बना दी। तो हम इस दूरी बनाने वाले इस राक्षस को
हमारे दुश्मन को हम मार के रहेंगे, और इसका यह संकल्प करो मेरे साथ और वादा करो, आपको अपने अपनों के प्यार का बेटा वादा करना पड़ेगा, आपको अपने रिश्तेदारों के प्यार के लिए यह वादा करना पड़ेगा, आपको अपने जीवन अपने बच्चों के जीवन के लिए यह वादा करना पड़ेगा कि आप इस संकल्प को निभाएंगे। और आने वाला सोमवार शायद 17 ही तारीख को है, सोमवार के दिन सुबह 8 बजे से लेके एक और सोमवार आएगा उसके अगले सोमवार तक हमें ये यज्ञ करके हमें अपने घर वालों को सुरक्षित करना है और इस कोरोना को। बस मुझे आप सबको इतना ही कहना था, और इस चीज को पूरे धैर्य से सोचना, अपनों के प्यार को लेकर के सोचना, अपने रिश्तेदारों के दुख सुख को लेकर के सोचना, आपको पता चलेगा कि आपका कितना बड़ा फर्ज बनता है जो आपको निभाना ही पड़ेगा। तो आओ सब मिलके अपना फर्ज निभाएं, अपनों को अपने देश को बचाएं। आप सब लोग जब ये यज्ञ करें तो उस यज्ञ को 1 मिनट का आप अपने मोबाइल के अंदर शूट करके हमारे इस नंबर के ऊपर भेजें, जो व्हाट्सएप नंबर है 9109105800, यानी कि 9109105800। अगर आप इसके ऊपर भेजते हैं तो ये हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, हमने अपने फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपका ये वीडियो डाल के दुनिया को दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप अपने के प्यार और अपने देश के लिए यज्ञ करके हमारी और अपनी कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं। तो बेटा ये वीडियो भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर भेजिएगा। तो बस इतना ही, आप सबको आशीर्वाद कि माता रानी आप सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे, तंदुरुस्ती बख्शे।